बीजापुर में खुलेआम चल रही है गुंडागर्दी। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने लगाया आरोप, आदिवासियों को वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग इन घटनाओं पर क्यों है मौन? उन्हें जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों कलेक्टर हमारे फोन नहीं उठा रहे। बीजेपी हमारी हार से बौखलाई है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक आदिवासियों और दलितों पर लगातार कर रहे हैं अत्याचार। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्यवाही पर आए फैसले पर बोले, यह आदेश बीजेपी के नेताओं पर तमाचा है जो किसी व्यक्ति का घर निस्तेनाबूद कर देते थे। बीजेपी जो गुंडागर्दी चल रही थी उस पर इस निर्णय से रोक लगेगी। आशा करते हैं कि अब बीजेपी के नेता संविधान का पालन करेगी। निश्चित ही चुनाव चल रहा है दोनों विधानसभाओं में, लेकिन बुधनी में तो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है जितना मेरे संज्ञान में आया, लेकिन विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा और शासन के जो चिन्हित अधिकारी जिनको लेकर के गए थे वहाँ गुंडागर्दी आतंक फैलाने के लिए, उनके संरक्षण में वहाँ पे लूट की जा रही है। और तमाम ऐसी घटनाओं, कल शाम से ही कई ऐसे गांव हैं खास तौर पे जहाँ दलित समाज और आदिवासी समाज की जनसंख्या ज़्यादा है, इन गाँव में विशेष रूप से वहाँ के गुंडे, कुछ राजस्थान के, कुछ वहाँ लोकल के गुंडे जो हैं जा करके उनको वोट डालने से रोक रहे हैं या उन पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो बीजेपी के ही पक्ष में मतदान करें। इसके लिए कल भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत करी थी। आज हमारे सीनियर डेलीगेशन नेताओं का अभी चुनाव आयोग के अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने जाएगा और उनसे कहेगा कि इस चीज़ का आपको संज्ञान लेना चाहिए और ये जो वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है इसको तत्काल रोक लगानी चाहिए। चुनाव आयोग क्यों इन घटनाओं पर मौन धारण करे बैठा है ये सोचने का विषय है। रात में मैंने 12:30 बजे भी चुनाव आयुक्त को फ़ोन लगाया था उनका, हालांकि फ़ोन ना उठा है ना वापस आया है। कलेक्टर को फोन लगाया, कलेक्टर फोन नहीं उठा रहे हैं। तो क्या कोई इनको ऐसे दिशा निर्देश दिए हुए हैं मोहन सरकार के द्वारा कि भाई अब कोई भी कांग्रेस की शिकायत आपके पास आए तो उनके फोन मत उठाइए, एक दिन जो भी गुंडागर्दी लूट हो रही है उसको होने दीजिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष मतदान होना चाहिए विजयपुर में, और जिस भी प्रत्याशी के भाग्य में जो भी जनता का आशीर्वाद के रूप में परिणाम लिखा है उसको स्वीकार करना चाहिए। गुंडागर्दी से कोई चुनाव जीत नहीं सकता। मुझे लगता है बीजेपी को बौखलाना नहीं चाहिए अपनी हार से, और जो भी जन का निर्णय है, जनता का निर्णय है, उसको स्वीकार करना चाहिए, निष्पक्ष मतदान में मदद करनी चाहिए। नजरबंद करना कोई नई परंपरा नहीं है, पहले भी किया है, अटेर के उपचुनाव में भी ये हो चुका है और चंबल में अमूमन इस तरह का किया जाता है कि दोनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन प्रत्याशी के संरक्षण में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके परिवार के लोग और उनके रिश्तेदार और जो उनके गुंडे तत्व के लोग हैं, जो उनके पार्टी के कहले या उनसे जुड़े हुए लोग, वो तो खुलेआम गुंडागर्दी मचा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को बेचारे को बैठा लिया है और इनके जितने गुंडे तत्व के लोग हैं वो आदिवासी और दलित समाज के लोगों की पोलिंगों पर जा रहे हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस ने उनको छूट दे रखी है, पुलिस उन पोलिंगों पर जाती नहीं है, और जाती है तो पहले सूचना दे देती है कि भाई फोर्स आएगा, तब तक तुम इधर उधर हो जाना। खुलेआम हथियार और कारतूस लेकर के घूम रहे हैं गुंडे, तो इसमें किसका संरक्षण है? और चुनाव आयोग क्यों सो रहा है? मुख्य बिंदु यह है। भाई साहब, बिजनेस तो आपने खोल लिया, पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। आप पुराने तौर तरीके भूल जाइए, जमाना बिल्कुल बदल गया है। आप घर बैठे अपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी शोरूम के साथ साथ शॉपिंग मॉल या फिर किसी भी तरह के बिजनेस का जोरदार और धमाकेदार ऑडियो या वीडियो तैयार कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम देंगे आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान। जी हाँ, हम हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंट्स एंड पब्लिशर्स। नाम तो सुना होगा। आपके बिजनेस के प्रचार की पूरी गारंटी हमारी। आप हमें व्हाट्सएप करें 7805818606 पर।